पटना में एक टीचर ने 5 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा, उसका वीडियो सामने आया है। कोचिंग क्लास में शिक्षक ने पहले बच्चे को डंडे से मारा, मारते मारते डंडा टूट गया तो उसे पलट कर दूसरी तरफ से मारा, इसके बाद लात और घूंसे भी बरसाए। इस दौरान बच्चा चीखता रहा और छोड़ने की मिन्नते करता रहा, लेकिन टीचर नहीं मारा, उसने इतना मारा कि बच्चा बेहोश हो गया। यह मामला बिहार की राजधानी पटना में धंधुआ के बीर ओरियारा के दया क्लासेस कोचिंग संस्थान का है, जहां पर मासूम की बेरहमी से पिटाई हुई है। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है। बच्चे के बेहोश होने की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने कोचिंग के शिक्षक छोटू की जमकर धुनाई कर दी। वीडियो को देखने के बाद इस कोचिंग में पढ़ने वाले पूरे मोहल्ले के बच्चे और अभिभावक दहशत में हैं। वही कोचिंग के संचालक का कहना है कि शिक्षक को बीपी की समस्या है, बीपी हाई होने के कारण उन्होंने बच्चे को इस कदर बेरहमी से पीटा। उन्होंने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। पिटाई करने वाले शिक्षक को कोचिंग से बाहर कर दिया गया। बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में धनरुआ थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने की सूचना उन्हें मिली है। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ है कि वीडियो शनिवार का है, जहां कोचिंग में बच्चे की पिटाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया फिलहाल शिक्षक कोचिंग छोड़कर फरार हो गया। कहा जा रहा है कि मासूम बच्चे ने टीचर को एक लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए देख लिया था, जिसके बाद टीचर उस बच्चे को कंप्यूटर क्लास में ले गया और जमकर उसकी पिटाई कर डाली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।